हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और बताइए कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पे देखिए श्रेयांस बैठे हुए हैं और इधर शिवांगी बिस्किट खा रही है। और बस थोड़ा सा शाम का समय हुआ है और मैं जा रही हूँ उन लोग को लेके थोड़ी सी बाहर नीचे ग्राउंड के पास, और ये लोग थोड़ी देर खेलेंगे और मैं बैठूँगी। और उसके बाद आने के बाद जो हमारा काम है इवनिंग का मेरा वो स्टार्ट होगा। तब तक मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ जाएंगे, तो चलिए लेके चलते हैं बच्चों को आज गार्डन में। और सॉरी गार्डन नहीं, प्ले ग्राउंड में। ये लोग प्ले ग्राउंड में थोड़ी देर खेलेंगे ताकि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होनी भी काफी जरूरी है। ग्राउंड, यस, प्ले ग्राउंड मीन्स ग्राउंड। बच्चों को मैं बाहर से लेके आ गई हूँ, लेकिन वो लोग अपने फ्रेंड के पास चले गए हैं और अभी पति देव भी आ गए हैं। तो मैं बना रही हूँ चाय और बस हमारी चाय बन रही है। थोड़ा सा मुझे ये माइग्रेन की वजह से बैक साइड में पेन है और थोड़ा सर भी भारी है, क्योंकि आज पूरे दिन सर में दर्द था। इस वजह से मैं दिन में कैमरा टच ही नहीं की। फिर मैं सोची नहीं आज शाम से तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो चलिए चाय वगैरह पी लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए चाय पीने के बाद। और उसके बाद बच्चों को बस स्टडी वगैरह कराएंगे लोग और फिर डिनर की तैयारी होगी हमारी। तो अभी अभी दीप जलाने का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ दीप जलाने। और यहाँ पे दीप जलाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में बाबू लोग को दूध देने के लिए। तो ये श्रेयांश और शिवांगी का मैं मिल्क रेडी कर रही हूँ। उन लोग का मिल्क का टाइम हो गया है और उन लोग को मैं जैसे ही दूध दे दूँगी फिर अपना डिनर का तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा से अधिक शॉपिंग कर लिया है, बस ये लास्ट शॉपिंग है। तो ये मैं डिनर की तैयारी कर ले रही हूँ, और क्योंकि मुझे इसके बाद बच्चों को स्टडी कराना है तो मैंने सोचा कि पहले डिनर की तैयारी करके रख देती हूँ और उसके बाद बस आराम से फिर बच्चों को थोड़ा टाइम दे पाऊँगी मैं स्टडी के लिए। और यहाँ पे मैं डिनर भी बनाने वाली हूँ, दाल चावल और सब्ज़ी, क्योंकि मैं दिन के टाइम में मैं नहीं बनाई थी और सिर्फ हम लोग रोटी खाए थे दिन के टाइम में। और क्योंकि हस्बैंड ऐसे ही ऑफिस रहते तो उन्हें मैं लंच दे देती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो रात में ही बना लूँगी और सभी हम लोग खा लेंगे। तो बच्चे दूध पी लिए, मेरी भी कुकिंग की ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो गई हैं, सिर्फ कुकिंग करना है। तो अभी 8 बज रहा है और तैयारी मेरी हो गई। अब जा रहे बच्चों को थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स में उन लोगों को स्टडी कराऊंगी और उसके बाद फिर जाऊंगी किचन में। और यहाँ बच्चों के स्टडी कराने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और डिनर की तैयारी हो गई है, तो सिर्फ मुझे स्टार्ट करना है कुकिंग।
तो यहाँ पे मैंने एक साइड कढ़ाई रख दिया है, एक साइड प्रेशर कुकर रख दिया है। तो एक साइड मैं सब्जी बना लूँगी और एक साइड मैं दाल बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक वाली दाल। तो मैंने तड़के में प्याज वगैरह डाल दिया है, जीरा, हरी मिर्च और प्याज दोनों साइड ही मैं वही चीज़ डाली हूँ। और सब्जी में बना रही हूँ कैप्सिकम मीन्स शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। तो मैं सब्जी वगैरह डाल दी हूँ और बस उसे सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इधर प्रेशर कुकर में मेरी प्याज भी भून रही है, तो अभी मैंने इसमें अदरक और लहसुन भी डाल दिया और बस टमाटर डाल के और इसे सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा बस पका लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रेशर कुकर में कुक होने वाला है तो ऐसे ही ये पक जाएगा। और बस इसमें मैं डाल दूँगी जो हमारा मसाला है, गरम मसाला थोड़ा सा डालूँगी और थोड़ा धनिया पाउडर, और इसे हल्का सा हमें भून लेना है। और फिर मैं दाल पहले से ही धो के और भिंगो के रखी थी, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसमें अब मैंने नमक भी डाल दिया और इसके बाद बस हम दाल डाल देंगे। अगर हम लोग पहले से दाल को धो के और रख देते हैं ना उसमें ज़रा सा पानी डाल के, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी पक जाता है। और फटाफट बस मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ, मीन्स कुकिंग में लगी हुई हूँ, क्योंकि बस दिमाग में था कि जल्दी से यहाँ कुकिंग ख़त्म हो जाए, बच्चों को खिलाना है, फिर उन लोगों को सुलाना है, और मुझे भी कुछ काम करना था अपना यूट्यूब का लैपटॉप पे। तो मैं सोच रही थी बस जल्दी से ये सब काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम लग जाता है ये सब काम ख़त्म करते करते, और फिर अपना भी कुछ टाइम देना होता है। तो यहाँ पे मैंने दाल डाल दिया और पालक भी डाल दी। मैं बातों बातों में आप लोगों को मैं ये बताना ही भूल गई कि मैं यहाँ पे क्या कुकिंग कर रही हूँ। और बस यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है और अब लीड को मैं बंद कर दूँगी। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इसमें नमक कम है, तो मैंने हल्का सा फिर डाल दिया है। और लीड को बंद करके मैं प्रेशर कुकर को दूसरे साइड शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि इधर फिर मैं चावल भी रख दूँगी, तो मेरा तीनों काम एक साथ ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी 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 सब कुछ हो जाएगा। और ऑनेस्टली अगर आप सब कुछ तैयारी करके रख दिए हो ना, तो कुकिंग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मुझे ये सब कुक करने में सिर्फ 30 मिनट लगा। मैं 9 बजे आई किचन में और 9:30 तक मेरी ऑलमोस्ट सारी कुकिंग हो गई थी। बस तो थोड़ी देर में हमारा डिनर हो जाएगा, तो फिर मैं बच्चों को खिलाऊंगी और फिर हम लोग खाएंगे। और थोड़ा सा लेट हो गया है आज, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा लेट ही पढ़ाने में गई हूँ। क्या हुआ है कि वो लोग अपने फ्रेंड के घर चले गए हैं और आते आते थोड़ा सा टाइम लग गया उन लोगों को फिर मिल्क वगैरह देना, और मैं अपना तैयारी भी करने लगी हूँ डिनर का, तो इस वजह से बस आने के बाद सिर्फ मुझे कुक ही करना था। फाइनली बच्चे सो गए और मैं आ गई हूँ यहाँ अपने लिविंग रूम में, और मुझे भी लैपटॉप पे कुछ काम करना है, तो बस मैं लैपटॉप ओपन करके बैठ गई हूँ। और मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ, नहीं तो फिर आज मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अभी वीडियो का एंड कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चे सोने में काफ़ी लेट कर दिए हैं आज, क्योंकि वो लोग शाम में सो के उठे हैं 5 बजे, और इस वजह से वो लोग काफ़ी लेट अभी सोए हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मैं इस ब्लॉग को आज एंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।